सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अलंकार को पढ़ेंगे। तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए अलंकार क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ है भूषण या सजावट। कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो विभूषित करे, जो सजाए, वह अलंकार है। जिस प्रकार आभूषण स्त्री के नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं। कई आचार्यों ने काव्य में रस को प्रधानता न देकर अलंकार को मान्यता दी है। उनके अनुसार अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में स्पष्टता, प्रभावोत्पादकता और चमत्कार आ जाता है। जैसे सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, इसमें देखिए इस पंक्ति में जो है, इस काव्य पंक्ति में सौ वर्ण की आवृत्ति हुई है और इस आवृत्ति से काव्य पंक्ति के सौंदर्य में वृद्धि हो गई है। शब्द और अर्थ पर ही भाषा तथा साहित्य का सारा कार्य निर्भर होता है, अर्थात विशिष्ट शब्द अथवा अर्थ काव्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, अलंकार कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। यहाँ पर देखिए शब्दालंकार आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त में जानकारी देते हुए चल रहा हूँ। इसमें देखिए शब्दालंकार में क्या है कि ध्वनि के आधार पर ही शब्दालंकार की सृष्टि होती है। किसी विशेष शब्द के प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है, परंतु यदि शब्द को बदल दिया जाए और उसके स्थान पर उस शब्द का पर्याय रख दिया जाए तो पंक्ति का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा, चूंकि ये आपके सिलेबस में मूल रूप से है नहीं। ठीक है, जो है उसको हमें भी पढ़ाना है। अगर मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। अनुप्रास अलंकार देखिए, अनुप्रास अलंकार जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में बार बार हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजर तट तमाल तरवर बहुछाए, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजर तट तमाल तरवर बहुछाए, इस लाइन में त त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, त त त त त, जिसके कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उसके बाद बंदों गुरुपद पदुम परागा, इसमें देखिए प प वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई, जिसके कारण यहाँ पर भी कौन सी है, अनुप्रास अलंकार है। तो जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है यमक अलंकार। अगली पंक्ति में हम पढ़ेंगे ये, एक मिनट थोड़ी सी, एक मिनट। हाँ, ये आपका है, यहां पर देखिए यमक अलंकार। ये कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। यमक अलंकार में देखिए क्या होता है कि यमक अलंकार में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, परंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो, आप यमक अलंकार होता है। जैसे यहां पर देखिए कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, यह एक हाय बोराय जग वाप आए बोराय। अब यहाँ पे कनक एक ही शब्द, ये भी कनक है और ये भी कनक है, एक ही शब्द की दो बार पुनरावृत्ति हुई, लेकिन इन दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। जब एक ही शब्द की दो बार पुनरावृत्ति हो और प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। अब यहाँ पे यह खाए बौराय जग, यहाँ पे पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। ठीक है, पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। शब्द तो एक ही है और दो बार आए हैं, लेकिन अर्थ जो है उनके अलग अलग हैं, जिसके कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। उसी तरीके से काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर भी देखिए एक घटा जो है, काली घटा आकाश में जो काले बादलों की घटा छाती है उसके लिए है, और घमंड घटा घटना मतलब कम होना यहाँ पर। ठीक है, तो घटा शब्द के यहाँ पे दो अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, यमक अलंकार। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती थी मतलब तीन बार, ये समय बता रहा है, तीन बेर मतलब ये फल, एक खाने वाला जो फल होता है उसको भी वेर बोलते हैं। ठीक है, तो ये यमक अलंकार है। माला फेरा जुग भय, इसमें भी देखिए यमक अलंकार है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है श्लेष अलंकार।
श्लेष अलंकार में देखिए क्या है, श्लेष का अर्थ है चिपकना। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार, एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। जब एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकले तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ पे सुवर्ण शब्द का प्रयोग जो है वो सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया गया। सुवर्ण शब्द कवि के लिए क्या है, सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए जो है वो सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सोना है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों के लिए अलग अलग हैं। सुवर्ण के तीन अर्थ हैं, अच्छे शब्द यानी कवि के लिए अच्छे शब्द हो गया, व्यभिचारी के लिए अच्छा रूप रंग, और चोर के लिए सोना। कवि अच्छे शब्द, व्यभिचारी रूप रंग, और चोर स्वर्ण ढूंढ रहा है। अतः यहाँ पे क्या हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है, उसी तरह से रावण शिव सरोज बनचारी चल रघुवीर सिलमुखधारी, इसमें भी श्लेष अलंकार है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो देखिए, सिलमुख शब्द के दो अर्थ हैं, पहला अर्थ है भौरा और दूसरा अर्थ है बाण। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर तो जातन की झाई परे श्याम हरि द्युति होए, इसमें भी देखिए क्या है, श्लेष अलंकार है। फिलहाल ये अलंकार आपके पाठ्यक्रम में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आपको बताते हुए एक बार चल रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए हम लोग आएंगे अर्थालंकार पर, ये अर्थालंकार आपको पढ़ना है। अर्थ को अलंकृत करने वाले, चमत्कृत करने वाले अर्थालंकार कहलाते हैं। जहां पर अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वहां पे अर्थालंकार होता है। ठीक है, शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो वहां अर्थालंकार होता है। जैसे मखमल के झूले बड़े हाथी सा टीला, कवि ने बसंत ऋतु के आगमन पर उसकी शोभा तथा सच धज का वर्णन महंत की सवारी के साथ करते हुए काव्य के सौंदर्य तथा चमत्कार, काव्य में सौंदर्य तथा चमत्कार उत्पन्न किया है। ठीक है, अर्थालंकार के देखिए वेद, अर्थालंकार के यहाँ पर जो वेद हैं वो हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। और भी वेद हैं लेकिन यहाँ पर आपको इतना ही पढ़ना है, आपके सिलेबस में इतना ही है, तो हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो आ जाइए। सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं उपमा अलंकार। सबसे पहला है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार देखिए क्या होता है कि उपमा का मतलब ही होता है, अभी हमने आपको कक्षा में भी बताया था आज, तो उपमा का मतलब होता है अत्यधिक समानता के कारण बिल्कुल अलग होते हुए भी, जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर दो वस्तुओं में तुलना की जाए ना, जहाँ पर दो वस्तु या प्राणी के बीच तुलना की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इसके चार तत्व हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चार हैं। अब उपमेय क्या होता है, तो जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय होता है, जिससे उपमेय की तुलना की जाए वो उपमान होता है। साधारण धर्म, उपमेय तथा उपमान का जो परस्पर गुण होता है वो उसको हम साधारण धर्म कहते हैं। और वाचक शब्द क्या होता है कि जिस शब्द की सहायता से तुलना की जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं, जैसे सास, सी, सरदित, सरिस, सम, जैसा आदि। ठीक है, तो उपमा अलंकार की परिभाषा आपने देखा, उसके जो अंग हैं वो आपने देखा, उसके जो तत्व हैं तत्व को आपने देखा कि यहाँ पर उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, सीता का उपमेय, सॉरी, अब यहाँ पर एक उदाहरण है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ पर सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। ठीक है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। क्यों उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। उपमान जो होता है वो सदैव उपमेय से श्रेष्ठ होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि उपमान से उपमेय की तुलना की जाती है, न कि उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है। ठीक है, इसलिए तो सीता का मुख चंद्रमा के समान है। अब इसमें उपमेय क्या है, तो उपमेय हो गई सीता का मुख, उपमेय होगा सीता का मुख, उपमान हो जाएगा चंद्रमा, और जो साधारण धर्म है वो क्या होगा, सुंदर, और वाचक शब्द जो है वो समान हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा के समान, समान शब्द जो है वो क्या कर रहा है, यहां पर समान की सहायता से तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो समान होगा वो वाचक शब्द होगा। अगला है, बरस रहा है रवि अनल भूतल हवा सा
भूतल सॉरी भूतल तवा सा जल रहा, बरस रहा है रवि अनल, यानी सूर्य जो है वो आग बरस रहा है और भूतल जो पृथ्वी है वो तवा सा तवा की तरह जल रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, उपमेय क्या है तो भूतल है, उपमान क्या है तवा है, साधारण धर्म क्या है जलना है, और वाचक शब्द क्या है सा से सी ये वाचक शब्द हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी देखिए कौन सी अलंकार है, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है इसमें। तो बस इसमें आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है कि उपमा अलंकार में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। ठीक है, इसमें जो वाचक शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वाचक शब्द जो होते हैं वो होते हैं सा से सी सरिस जैसा समान, ये वाचक शब्द होते हैं। ठीक है, उपमान कौन होता है, जिससे तुलना किए तो उपमान होता है, जिसकी तुलना किए थे वो उपमेय होता है। ठीक है, यही चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। और इसमें सबसे बड़ी इसकी पहचान होती है कि इसमें जो शब्द होगा उसमें उसके बीच में डैश लगाओ, जैसे तवा शाह, तवा शाह के बीच में आप देखिए ये डैश लगा हुआ है। ठीक है, और अगर डैश नहीं भी लगा हुआ है तो जहाँ पर भी सा से सी का प्रयोग हो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा, आपको ये समझना है। ठीक है, अगले उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण में हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी। अब यहाँ पर भी देखिए क्या है, उपमा अलंकार है, हर पद कोमल कमल से यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, और पीपर पात सरिस मंडोला इसमें भी उपमा अलंकार है। तो उम्मीद करते हैं उपमा अलंकार समझ में आएगा। अगला है रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, यानी कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। अब यहाँ पर देखिए मया मैं तो चंद्र खिलौना, यानी चंद्रमा को यहाँ पर खिलौना कह दिया गया, जबकि चंद्रमा खिलौना है नहीं, लेकिन चंद्रमा चंद्रमा रूपी खिलौना, यानी चंद्रमा के ऊपर चंदा में खिलौने का आरोप कर दिया गया, चंद्रमा को खिलौना कह दिया गया, चंद्रमा को ही खिलौना बना दिया गया, अर्थात चंदा और खिलौना एक हो गया, यानी चंदा और खिलौना में कोई फर्क ही नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें राम नाम में रतन धन का आरोप होने कारण रूपक अलंकार है, यानी राम का जो नाम है उसको धन कह दिया गया, राम नाम में रतन धन का आरोप होने कारण यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया, यानी राम के नाम को ही रत्न कह दिया गया, धन बना दिया गया, इसलिए यहाँ पर क्या है रूपक अलंकार है, यानी यहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं किया गया ना, उपमान का अभेद आरोप बिना किसी भेद के, जहाँ पर उपमेय में ही उपमान का अभेद यानी बिना किसी भेद के आरोप कर दिया जाए, यानी उपमेय में ही उपमान को उपमेय के जैसा ही उपमान को भी बता दिया जाए ना, या उपमेय को ही कह सकते हैं उपमान मान लिया जाए, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद न किया जाए, जैसे आप समझें ना सबका मतलब एक है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा संभावना की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे इस अलंकार में जो वाचक शब्द होते हैं मनु मानो जनु जानो ज्यो मनो, इस तरह उत्प्रेक्षा अलंकार को अगर आपको पहचानना है तो जहाँ पर भी ये वाचक शब्द मिल जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमर सैल पर आतप पर प्रभात, मनो शब्द देखे आ गया। अब इस मनो शब्द को पकड़ करके आप बता सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें क्या होता है कि उपमेय में उपमान की संभावना होती है इस अलंकार में। ठीक है, अब यहां पर देखो सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने का मनो नीलमय शैल पर आतप पर प्रभात, भगवान श्री कृष्ण के सावले शरीर की सुंदरता का इसमें वर्णन किया गया है कि सोहत ओढ़े पीतपट, भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पीला वस्त्र उसी तरीके से सुशोभित होता है जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप सुशोभित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसको कैसे पहचानेंगे आप, इसको पहचानने के लिए इसके जो वाचक शब्द है मनु मानो, ठीक है यहाँ पर देखिए इसके जो वाचक शब्द हैं मनु मानो मनहु जनहु जानो ज्यो मनो, तो इसको देख करके हम पहचानेंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अगला हम चलते हैं देखिए उत्प्रेक्षा के अलंकार के बाद, अब यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ और उदाहरण यहाँ पे देखते हैं, कहती हुई उन्हें
कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो। यहाँ पर देखिए मानो आ गया, तो मनो मानो जनो जानो जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। धनदामिनी धन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी, यहाँ पर देखिए गोपिकाओं में बिजली की और कृष्ण में बादल की संभावना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार है। इन पंक्तियों में उत्तरा के अस्त्रपूर्ण नेत्रों में ऊष जल कणयुक्त पंकज की संभावना की जा रही है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ले चला मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, अब यहाँ पे ज्यों शब्द देख किया गया तो यहाँ पर भी क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फिर यहाँ पे ज्यों आया था, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो जहाँ पर मनो मानव जनो जनो ज्यों त्यों ये शब्द जहाँ पर है वहाँ पर कौन सा होगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरे। उपरोक्त उदाहरण में देखिए उषा पर नागरी का आरोप होने कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। उषा क्या है, उषा सुबह का समय है, न उषा कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन उस उषा को यहाँ पर एक स्त्री के रूप में दिखाया गया, उसको स्त्री जैसा बताया गया, इसलिए एक मतलब किसी समय को किसी निर्जीव जड़ चेतन को जब हम मानव से उसकी तुलना करते हैं, मानव के समान उसको हम बताते हैं, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जड़ प्रकृति पर जब मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, यह लो लतिका भी भर आई मद मुकुल नवल रस गागरी। अब लतिका को यहाँ पे यह लो लतिका भी भर, लतिका क्या लता, कोई लता जो है वो कैसे किसी गागर को भरेगी ना, लता तो लता वो आदमी तो है नहीं, तो लतिका को यहाँ पे नायिका के रूप में बताया गया, स्त्री के रूप में बताया गया, जिसके कारण यहाँ पर भी क्या है मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। यानी जब जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अतिशयोक्ति अलंकार, काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ कौन सा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इतना रोया मैं उस दिन ताल तलैया सब भर डाले। अब यहाँ पर देखिए क्या किसी के रोने से ताल तलैया भर सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर किसी चीज़ का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा करके किया जाता है ना, मैं इतना रोया कि ताल तलैया सब भर डाले, ये एकदम असंभव बात है, फिर भी यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर इतना वर्णन हो रहा है जिसके कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। यह एक अतिशयोक्ति है, कोई इतना रो ही नहीं सकता कि उसके रोने से पूरे तालाब भर जाए, जितने भी छोटे मोटे तालाब हैं बड़े तालाब हैं वो सब भर जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा कहीं होता है तो यहाँ पर क्या है अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण है कि पानी परात को हाथ छियो नहीं नए ननके जलसो पगदोए, इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। क्यों, क्योंकि किसी के आंसुओं से किसी के पैर नहीं धुले जा सकते, ये अतिशयोक्ति अलंकार है। आंसू गिरेंगे लेकिन इतने भी आंसू नहीं गिरेंगे कि उससे किसी के पैर को धुला जा सके, जिसके कारण यहाँ पर भी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया, और बढ़ा चढ़ाकर जहाँ पर किसी बात को कहा जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो बच्चों आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या होगी तो जब मैं क्लास में मिलता हूँ आपसे तो आप वहाँ पर भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझसे मैसेज करके और फ़ोन करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो था अलंकार था। ठीक है, ये हमने आपको यहाँ पर बताया, बाण नहीं पहुँचे शरीर तक शत्रुग्रह पहले ही भू पर हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग। ये सब देखिए सब क्या है अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण, ये अन्य उदाहरण है, सब के सब अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण है। अब हम देखिए प्रमुख अलंकारों में अंतर जान लेते हैं, उपमा और रूपक में क्या अंतर होता है। उपमा अलंकार में उपमेय तथा उपमान दोनों में समानता दिखाई जाती है, जबकि रूपक अलंकार में उपमेय तथा उपमान को एक ही मान लिया जाता है न। उपमा अलंकार में क्या होता है कि उपमेय और उपमान में समानता बताई जाती है, ठीक, लेकिन रूपक में क्या होता है उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है, यानी उपमेय को ही उपमान भी मान लिया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार, और जब दोनों में तुलना की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार। उदाहरण देखिए, नील गगन सा शांत हृदय सो रहा था। अब यह क्या है, ये क्या है, ये जो आपका उपमा अलंकार है। पायोजी मैंने राम रतन धन पायो, ये क्या है रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर पायोजी मैंने राम रतन धन पायो,
अब यहाँ पे भगवान राम जो है उस राम रतन को ही धन कह दिया गया, ठीक है, राम रतन धन पायो, ठीक है, यानी राम जो है वो किसी का नाम है लेकिन उस नाम को ही क्या धन कह दिया गया, यानी यहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई फर्क नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। राम ही रत्न धन है और रत्न ही राम है, इसलिए यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है, यानी राम और रत्न में न धन में कोई अंतर नहीं है, राम को ही रत्न कहा गया और रत्न को ही राम कहा गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है, यानी जहाँ पर उपमेय उपमान में कोई फर्क न किया जाए, उपमेय को ही उपमान कह दिया जाए, उपमान को ही उपमेय कह दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अगला यमक और श्लेष अलंकार। यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रस्तुत होता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, लेकिन श्लेष अलंकार में श्लेष में शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है और उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर देखिए काली घटा और घटा, यहाँ पे घटा शब्द दो बार है और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, जिसके कारण यहाँ पे यमक अलंकार हो गया ना। और रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन पानी गए नोबरे मोती मानुष चुन। अब यहाँ पर पानी शब्द एक ही बार है, एक ही पानी के यहाँ पर एक से अधिक अर्थ हैं, जिसके कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है और यहाँ पर यमक अलंकार है, ठीक है। उसके बाद देखिए उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर। उपमा और उत्प्रेक्षा में क्या अंतर है? उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जाती है, जबकि उत्प्रेक्षा में उपमेय और उपमान की के संभावना की कल्पना की जाती है। उपमा अलंकार को उदाहरण देखिए, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, ये उपमा का उदाहरण है, ठीक है, यानी यहाँ पर मुख उपमेय है, लालिमा की समानता प्रातःकालीन सूर्य उपमान की लालिमा से दिखाई गई है, ठीक है। उत्प्रेक्षा में देखिए अरुण कांति वाला मुख मानो प्रातःकालीन सूर्य हो। अब यहाँ पर अरुण मतलब क्या होता है? अरुण कांति वाला मुख, तो अरुण अरुण जो मुख है यहाँ पर ये उपमेय है, उपमेय अरुण मुख क्या है, इसमें उपमेय है, प्रातःकालीन अरुणिमा, अरुण मतलब सूर्य भी होता है, ठीक है, सूर्य होता है, तो प्रातःकालीन अरुणिमा सूर्य उपमान की कल्पना की गई है, यानी अरुण कांति वाला मुख मानो प्रातःकालीन सूर्य हो, यानी अरुण कांति वाला जो मुख है उसको सूर्य के समान बताया गया है ना, अरुण कांति में सूर्य की कल्पना की गई है, ठीक है, में प्रातःकालीन अरुणिमा सूर्य की कल्पना की गई है, जिसके कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ पर उपमेय में ही उपमान की कल्पना की जाए, जो उपमेय है उसी उपमेय में ही उपमान की कल्पना कर ले जाए, वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी को कोई समस्या होगी तो मैं क्लास में आता हूँ, तो आप वहाँ पर भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, और मुझे फ़ोन मैसेज करके भी अपने डाउट्स अपने जो भी आपकी समस्याएँ हैं उसको आप बता सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।